Class 10th, exercise 3.2, question number 3. On comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. Same second question ki tarah hi hai, but usme kya batana tha aapko? Intersecting line batani thi, parallel line aur coincident line. Ye condition batani thi. इसमें आपको कंसिस्टेंट बताना है और इनकंसिस्टेंट बताना है. कंसिस्टेंट मतलब जिसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन बने, इनकंसिस्टेंट मतलब जिसका कोई सोल्यूशन ना बने. तो पहला पार्ट है, सॉल्व करते हैं. 3x plus 2y equal to 5, 2x minus 3y equal to 7. a1 by a2 क्या होगा? a1 इसका 3, a2 क्या होगा? 2. b1 by b2 क्या होगा? 2 upon minus 3. y के साथ 2 है, नीचे y के साथ minus 3 है, 2 upon minus 3. c1 by c2 क्या होगा? इसको वहां लेंगे, इसको पहले equation solve करनी पड़ेगी आपको. 2x plus 3y minus 5 equal to 0. इस form में इसको लिखना पड़ेगा पहले. 2x minus 3y minus 7 equal to 0. यानी minus 5 upon minus 7. Minus से minus cancel, 5 upon 7. अब कैसे पता चलेगा कि consistent है, inconsistent? वही condition same. a1 by a2 not equal to b1 by b2. अगर ये condition आती है, तो consistent होगा. n by a2, b1 by b2, c1 by c2 तीनों equal हैं, तो consistent होगा. n by a2 equal to b1 by b2 है, but not equal to c1 by c2. तो this condition में क्या होगा? Inconsistent होगा. तो ये कौन सी condition आ रही है? n by a2, 3 by 2, ये 2 by minus 3. कोई भी equal नहीं आ रहा, यानी पहला ही equal नहीं आ रहा. तो पहली condition बनती है. कौन सी? a1 by a2 not equal to b1 by b2. तो क्या हुआ? Consistent. Consistent. Second part क्या है? 2x minus 3y equal to 8, 4x minus 6y equal to 9. यानी ये हो जाएगा 2x minus 3y minus 8 equal to 0. 8 वहां जाएगा तो minus में हो जाएगा. 4x minus 6y minus 9 equal to 0. a1 by a2 क्या होगा? 2 upon 4. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. ये हो जाएगा 1 upon 2. b1 by b2 minus 3. Minus 3 upon minus 6. Minus से minus cancel. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. ये भी आ जाएगा 1 by 2. c1 by c2 क्या होगा? Minus 8 upon minus 9. Minus से minus cancel. आ जाएगा 8 upon 9. तो दो equal आ रहे हैं. Condition कौन सी बनेगी? पहले दो equal. तीसरा not equal. क्योंकि 1 by 2 इसमें भी है, 1 by 2 इसमें भी है. 8 upon 9. ये last वाला not equal है. यानी condition बन रही है हमारी a1 by a2 to b1 by b2 not equal to c1 by c2. यानी कौन सी कंडीशन बनी? थर्ड. क्या होगी? इनकंसिस्टेंट. थर्ड, 3/2x plus 5/3y equal to 7. यानी इसको इधर लाएंगे तो minus 7 हो जाएगा. 3/2x plus 5/3y minus 7 equal to 0. सेम ऐसे ही 9x minus 10y minus 14 equal to 0. a2 क्या होगा? 3 by 2 अपॉन में 9 है तो मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा. काटोगे 3 जा 9, ये आ जाएगा 1 अपॉन 6. b1 by b2 क्या होगा? 5 by 3 माइनस में माइनस 10, यानी माइनस बाहर आ जाएगा. 5 2 जा 10, ये आ जाएगा 1 अपॉन माइनस 6. c3 आएगा माइनस 7 अपॉन माइनस 14. माइनस माइनस कैंसिल, 7 माइनस 7, 7 2 जा 14. यानी पहले दो इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो कंडीशन कौन सी बनेगी? पहले दो इक्वल नहीं आ रहे हैं, यानी a1 by a2 not equal to b1 by b2. क्यों? क्योंकि पहला है 1 upon 6, दूसरा आ रहा है 1 upon minus 6, not equal है. तो कंडीशन कौन सी? Consistent बनेगी. थर्ड पार्ट हो गया. फोर्थ पार्ट में क्या है? 5x minus 10 by मतलब minus 5, sorry, a upon a2, ये होगा 5 upon minus 10. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आएगा minus 1 by 2. b1 by b2 आएगा minus 3 upon 6. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आएगा minus 1 by 2. c1 by c2 आएगा 11 upon, इसको वहां जाएगा तो minus 11 हो जाएगा, और 22 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 22 माइनस में आएगा. 11 11 11 2 22 माइनस में आएगा. तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो कंडीशन क्या बनी? a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2.
कंडीशन कौन सी बनी, सेकंड कंडीशन कंसिस्टेंट, तो इसे बोलेंगे हम कंसिस्टेंट। फिफ्थ वन क्या है, 4/3x, यानी ये क्या है हमारा 4/3 अपॉन में क्या होगा 2 अपॉन में 2, तो इसको लिख सकते हैं 4/3 इंटू 1/2, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है 1 है तो ये 4/3 आएगा, ये रेसिपी को जाता है 1/2, तो 2 2 जा 4 ये आ जाएगा 2/3। b1 b2 ये होगा a1/a2। अब b1/b2 ये क्या होगा, b1 है 2/3, इसे कटेगा नहीं कुछ, सेम ऐसे ही आ जाएगा। c1/c2 ये होगा, उधर आएगा तो -8 -8, 12 वहाँ जाएगा तो -12 -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, ये आ जाएगा 2/3। तीनों सेम आ रहे हैं, कंडीशन कौन सी बनेगी, सेकंड कंडीशन, सारे इक्वल हैं तो कंसिस्टेंट, यानी बन गया a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, कौन सा बनेगा कंसिस्टेंट। तो इसकी दो कंडीशन आती है, इंटरसेक्टिंग लाइन इनकंसिस्टेंट, कंसिडर कौन सी लाइन है और कौन सा सोल्यूशन आ रहा है, इसके लिए मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में पूरा डिटेल बताई थी, इसके पूरा चार्ट बना के बताया था, उसको लर्न कर लेना, चैप्टर एक्सरसाइज सही हो जाएगी।